तो हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का खिलौना। तो फर्स्ट हमें एक कागज़ चाहिए, उसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इससे आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, आपको जितना बड़ा चाहिए, लेकिन उसको साइज़ का होना चाहिए। ओके, चलिए। और अगर आपके पास ये ऐसा नहीं है स्क्वायर बनाने वाला, तो आप एक ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप चूड़ी होती है हाथ की, कंगन टाइप, उसको आप रख के सर्कल बना लीजिए, उससे अच्छा सर्कल बन जाता है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसा आएगा ये सर्कल। अब मैंने ये थोड़ा थोड़ा डिज़ाइनर था, लेकिन हमें इस पर ग्रिड शीट लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो नहीं लगा सकते, चलिए इसको ग्रिड शीट लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास दो ग्लिटर शीट है, एक हमारे पास रेड ग्लिटर शीट है एंड येलो ग्लिटर शीट है। आप चाहें कौन सा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं इधर येलो लगा दूँगी एंड इसकी आउटलाइन करने के लिए मैं रेड लगा दूँगी, इसलिए अच्छा भी लगेगा। देखिए तो फर्स्ट ये हम ग्लिटर शीट का टुकड़ा लेंगे एंड ये लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसकी साइज़ का हम कट कर लेंगे। चलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया है। ये देखिए हमारे सर्कल पर अगर हम इसको पेस्ट करेंगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए देखिए हमने पेस्ट कर दिया है, अच्छे से पेस्ट होने वाला है। देखिए अभी हम अब इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, अभी जब तक हम इसकी एक स्ट्रिप काट लेंगे। तो देखिए ये स्ट्रिप हमको ऐसे करके लगा देनी है, ठीक है। तो ये और भी सुंदर लगी। और ये ध्यान रखिए आप इसको ग्लू गन से ज़रूर अटैच करें, नहीं तो आपको पता है अगर हम इसको फेविकॉल से अटैच करेंगे तो ये बहुत जल्दी छूट जाएगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं। तो देखिए हमने अटैच कर दिया है और ये बहुत अच्छे से अटैच हो गया है ग्लू गन से, और ये जल्दी छूटेगा नहीं तो हम अगर उनसे छुटाते हैं तो बहुत जल्दी छूट जाए। तो देखिए अभी हम इसमें इतना छेद करेंगे, इसलिए हमारा कुंदा लग गया है। आपको सेंटर में करना है। ये देखिए मेरा आगे आ गया है। अब इसमें हम इसमें उतार लगे। तो देखिए हमको डेकोरेशन के लिए ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो आप ग्लिटर शीट का फर्स्ट वर्ड टुकड़ा काट के, सिल्वर ग्लिटर शीट आती है उसको टुकड़ा कट करके आप लगा सकते हैं, सुंदर लगेगा। जैसे येलो ग्लिटर शीट का इस पर टुकड़ा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास डेकोरेशन नहीं है। देखिए आपको गठान लगा के धागा में और ऐसे सुई घुसे के आपको ऐसे कर लेना है, और फिर उसके बाद सुई हम लेंगे और इसके ये होल है ना उसमें हम डालेंगे। मैंने पहले से ही होल करके रखा था। तो देखिए कुछ इस टाइप की हमारी ये लग जाएगी और पीछे से हम इसको पुश कर लेंगे। देखिए हमारा अच्छा लगने लगेगा थोड़ा डेकोरेशन टाइप। और जिस जगह हम उसको टांगेंगे ना उसके लिए हमें अलग से उप कर देंगे, तो हमारा आसानी से टंग जाएगा। अब हम धागा को कट कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा थोड़ा बड़ा कट करें, इसलिए आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए आप अच्छे से टांग सकते हैं इसको। मैं इतना बड़ा कर रही हूँ कट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इसलिए मैं भी इतना बड़ा कर रही हूँ। देखिए हम अपनी सुई रख देंगे और ये मैंने धागा इतना बड़ा कट कर लिया है, और अब हम इसमें एक काम पाएंगे इसलिए परफेक्ट आ जाएगा। इसलिए अभी आसानी से निकलेगा नहीं, तो अच्छे से इसे टंगा रहेगा। देखिए हमारा ये थोड़ा हमने बना लिया अपना, ये देखिए पीछे से अच्छा लुक आ रहा है। और तो अब हम इसको अलग से रख देंगे, अब हम बनाएंगे इसकी अलग से स्टोर। देखिए हमको कुछ इस तरीके के मोती लेने हैं, फिर इनको पोते जाना है, सुई लेनी है उसमें, और धागा दूसरे कलर का लिए इसलिए अच्छा लगे। मैंने पहले येल्लो लिया था, अब मैंने ब्राउन ले लिया है, अच्छा लगेगा ये थोड़ा। इसलिए इसी तरीके से आपको थोड़ा ज़्यादातर मतलब एक 20 मोती इसमें, क्योंकि ये छोटे छोटे है ना, इसलिए इसमें 20 मोती डाल दीजिए आप।
आपका ही अच्छा लगने लगेगा थोड़ा, इसलिए ठीक है। इसी कंपेरिजन में आपको इतने मोती डालने हैं और डालेंगे अभी हम। और फर्स्ट इसमें ये स्टार्स डाले हैं इसलिए और अच्छे लगेंगे, स्टार्स डालेंगी। तो देखिए हमने स्वीट ओरियो के मदद से अटैच किए थे हमने, और ऐसे ही आपको ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है। अगर आपके पास स्टार ना हो तो आप इनमें से ही ये बड़े वाले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये आपके पास जो भी कुछ भी सामान हो ना आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास सामान ही आप तो बना नहीं पाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चलिए इसी तरीके से हमको सारे बना लेने हैं। तो देखिए मैंने इसको सारे में लगा लिया है, तो ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये, और जब ये झूले में लगेगा तो और भी सुंदर लगने वाला है। ये देखिए हमारे लटक रहे हैं, और अभी हम इसको यहाँ से इधर उधर से लाइट से डेकोरेशन करेंगे और इसे हमारा और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए जिस साइड से हम इसको झूले पर लटकाएँगे ना, उस साइड से हमको स्टार लगाना है। ये देखिए इस साइड, और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो है हमने स्टार लगा लिया है इसमें, ये देखिए। और अब हमारे पास ये है, ये एकदम स्टार की तरह सर्कल है, इसको ये दो एक इधर पेस्ट करेंगे हम और एक इधर, ये तो बड़े वाले हैं, इन दोनों को हमें साइड में पेस्ट कर देना है, इसलिए ये जल्दी हो जाएंगे। चलिए तो ये देखिए हमने कर लिया है। तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ वीट्स हैं, ये मैंने कुछ ऐसे ले लिए हैं, आप चाहें तो कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप चाहें नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने और भी उसको डेकोरेट करना चाहा इसलिए वो और भी सुंदर दिखने वाला है, इसलिए देखिए मैंने इसमें स्टार्स चिपका लिए थे। वैसे भी हमारा बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन हम तब भी इनमें ये डेकोरेट करेंगे। देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं इसको, ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मोती पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए बहुत सुंदर लगने वाला है, आप बस ट्राई तो कीजिए। देखिए इधर आपको इस जैसे हमने ये वाला मोती लगाया था उसी के जस्ट बाद में हमको ये वाला मोती लगाना है। ये देखिए इधर पहले हम टू पेस्ट कर लेंगे, उसी हिसाब से हमको उधर लगाना है। और आप ये ध्यान रखना कि आपको लग रहा हो ये वाइट हो रहा है, नहीं ये जब ये ग्लू सूख जाएगी ना तब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम झूले में लगाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए गाइस मैंने इसमें हैंग कर दिया है, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखिए मैंने मटकी बनाई है ये दोनों, अगर आपको सीखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें तो मैं आप इसकी भी वीडियो डाल दूंगी। और ये देखिए झूला, अगर आपको इनमें सीख कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं सब डाल दूंगी। और कैसी लगी मेरी जन्माष्टमी की डेकोरेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।